हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचरिस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम हमारे घर के कंपाउंड वॉल को, फेंसिंग को पर्दे की तरह पूरी तरह से ढक देने वाली सुंदर लता के बारे में कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस लता के कर्टन क्रीपर नाम में ही पर्दे जैसा हूबहू इसका रूप छिपा है। कर्टन मतलब पर्दा और क्रीपर मीन्स लता या फिर बेला। वैसे तो हमारे घर में लगाए जाने वाले पर्दे या कर्टन्स आर्टिफिशियल और मैनमेड होते हैं, लेकिन हमारे घर के कंपाउंड वॉल को, बालकनी के रेलिंग्स को सजाने के लिए कुदरत ने हमें दिया हुआ यह प्राकृतिक पर्दा है। यह कर्टन क्रीपर का पौधा मूल रूप से ट्रॉपिकल एशिया का मूल निवासी है। इस पौधे के मूल नेटिव्स में हमारा भारत देश, बर्मा और थाईलैंड मुख्य रूप से शामिल होते हैं, जहाँ से यह पौधा दक्षिण ताइवान से लेकर क्विंसलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक प्राकृतिक बन गया है। एस्टेरेसिया फिर सनफ्लावर फैमिली की इस बेल का साइंटिफिक नेम टारलमाउनिया एलिप्टिका है, जिसे कॉमनली हम कर्टन क्रीपर, वर्नोनिया क्रीपर या फिर पर्दा बेल के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, इस कर्टन क्रीपर लता को ग्रो करते समय शुरुआत में इसे सहारे की जरूरत होती है। हमारे घर के जिस भी ऑब्जेक्ट से हम इसे नीचे ट्रेलिंग करना चाहते हैं, मतलब बालकनी के रेलिंग्स हो, कंपाउंड वॉल हो या फिर चेनलिंग जाली का फेंसिंग हो, उसकी ऊपरी सतह तक इनके तनों को सहारे के साथ ऊपर चढ़ाना होता है। उसके बाद बहुत ही सुंदर रूप से दीवार या बालकनी के रेलिंग से यह बेल नीचे गिरती है और उस ऑब्जेक्ट को पर्दे की तरह पूरी तरह से ढक देती है। कंपाउंड वॉल, बालकनी के रेलिंग्स या फिर चेनलिंग जाली जैसे ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से ढकने के बाद एक मर्यादित लेवल में इसे बढ़ाकर नीचे से हम इनका प्रूनिंग कर सकते हैं। एक मर्यादित आकार में नीचे की तरफ से इसको प्रूनिंग करने से एक नेचुरल कुदरती परमानेंट पर्दे को हम महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, इस कर्टन क्रीपर की छोटी छोटी हरी पत्तियाँ इस तरह अंडाकार शेप में या ओवल शेप में होती है। यह इस बेल के लड़ों की लंबी और पतली स्टेम पर इस तरह अल्टरनेट शेप में मल्टीपल तादाद में होती है। लगभग 1 से 1.5 इंच दूरी पर अल्टरनेट शेप में इसकी पत्तियाँ घनी हरियाली के साथ नीचे के ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से ढक देती है। दोस्तों, यह कर्टन क्रीपर बेल मूल रूप से ट्रॉपिकल एशिया की मूल निवासी होने के कारण यह पूर्ण सूरज की रोशनी में पनपने वाली बेल है, इसलिए इसकी सनलाइट नीड सीधे सूरज की रोशनी की होती है। इसकी ग्रीनरी और अच्छी हेल्थ के लिए हो सके तो इसे सनलाइट पोर्शन में लगाना सबसे बेहतर होता है। मैंने शूट की हुई यह बेल ईस्ट फेसिंग लोकेशन में आउटडोर में सीधे सूरज की रोशनी के नीचे वेल सर्वाइव कर रही है। इसकी चार्मिंग और इसकी ग्रीनरी देखिए। इसलिए इस बेल की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़्यादातर हमारे घर के कंपाउंड वॉल का या फिर बालकनी का सन फेसिंग एरिया हमें चूज़ करना चाहिए। इसलिए इस पौधे के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आने वाले ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल एरियाज में, हमारा भारत और बाकी देशों के लिए हमारे घर का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन इस पौधे के लिए होना चाहिए। और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए होना चाहिए, क्योंकि यह लोकेशंस सर्दियों के दौरान सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन काल में शेडी एरियाज में परावर्तित नहीं होते। दोस्तों, पानी के मामले में भी यह काफ़ी सहनशील पौधा है, मतलब सूखे या अवर्षण काल को भी यह सहन कर सकता है। इसलिए इसकी वाटरिंग नीड मीडियम से लो कैटेगरी में आती है। इसलिए इस बेल को ठंड या बरसात के सीजन में बहुत ही कम पानी लगता है। गर्मी के मौसम में इसकी ज़रूरत अनुसार इसे रेगुलर वाटरिंग करनी पड़ेगी। घर के बालकनीज या रेलिंग के पास कंटेनरों में लगाए गए पौधों के लिए मिट्टी के टॉप सॉइल सूखने के बाद ही वाटरिंग करें। दोस्तों, इस कर्टन क्रीपर के लैंडस्केपिंग या फिर सजावट के लिए जगह के अभाव के कारण बालकनी के रेलिंग के पास बड़े कंटेनरों में लगा सकते हैं। इनफैक्ट जगह का अभाव हो तो कंटेनर ही एक बेस्ट विकल्प हो सकता है, लेकिन कंटेनरों या पॉट्स में हम वो सारा न्यूट्रिशन पौधों को नहीं दे सकते जो सीधा ज़मीन से मिलता है। हमेशा पॉट्स में लगाए गए पौधे और सीधी ज़मीन में लगाए गए पौधों में यह फर्क रहता ही है। इसलिए इस कर्टन क्रीपर बेल की ग्रीनरी और घनी झाड़ीदार स्थिति के लिए गार्डन की सीधी ज़मीन में लगाना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि गमलों या कंटेनरों के बजाय सीधे ज़मीन में रूट्स की डेवलपमेंट नेचुरली बहुत अच्छी होती है।
पौधों की कैटेगरी अनुसार पौधों के रूट्स जमीन में गहराई तक अंदर चले जाते हैं, क्योंकि जमीन में स्थित न्यूट्रिशन सबसे बेहतर तरीके से शोषित किया जाता है, जिससे ऊपरी पौधा बहुत हेल्दी और उस पर काफ़ी निखार दिखाई देता है। जगह के अभाव के कारण बालकनीज के रेलिंग के लिए हो सके तो टैबलेट कंटेनरों को यूज़ करें। दोस्तों, ये कर्टन क्रीपर बहुत ही लो मेंटेनेंस कैटेगरी की बेल है। सीधे ज़मीन के अंदर लगाए गए पौधों को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत काफ़ी कम या फिर ना के बराबर ही होती है, क्योंकि ज़्यादातर सभी प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से पनपने वाला यह पौधा है। ट्रॉपिकल जोन या गर्म जलवायु से रिलेटेड होने के कारण इस पौधे को गर्म वातावरण पसंद होता है। पॉट्स या कंटेनरों में लगाए गए पौधों को पॉटिंग मिक्स सॉइल में जैविक खाद के साथ बीच बीच में तरल उर्वरक देना पड़ता है। दोस्तों, इस कर्टन क्रीपर बेल पर ज़्यादातर समर के दौरान छोटे सफ़ेद कलर के फूल खिलते हैं। इनमें हल्के पीले रंग के भी फूल होते हैं। ज़्यादातर वसंत के शुरुआत में फरवरी से मार्च तक यह पौधा फूलता है। उस दौरान इनके फूलों पर मधुमक्खियाँ आकर्षित होती है। लेकिन एक बात का थोड़ा ध्यान रहे कि इस पौधे के फ्लावरिंग सीजन में फूलों के फूलने के बाद गेंद जैसे फलों में वह परावर्तित होते हैं, और एक अध्ययन के अनुसार इन फलों में जहरीले तत्व पाए गए हैं, इसलिए इससे थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर इस कर्टन क्रीपर पौधे पर या बेल पर कोई रोग या कीट नहीं आती, और सेट होने के बाद यह बहुत ही हार्डली खुद को सर्वाइव करता है, इसलिए बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ बिगिनर्स भी इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, कटिंग से इसे बहुत ही आसानी से प्रचारित किया जा सकता है। इसके कटिंग से सिंपली शुरुआती पौधे बनाते समय छोटे प्लांटर्स या पॉलीथीन बैग्स में कोकोपीट या मिट्टी यूज़ करके इनके कटिंग्स को हम लगा सकते हैं। ज़्यादातर पॉट लेयरिंग मेथड यूज़ करने से इनके हर नोड पर नए शूट्स बहुत जल्द निकल आते हैं, क्योंकि मेन मदर प्लांट से पूरा न्यूट्रिशन उनको मिल जाता है। इनका पॉट लेयरिंग हम ज़्यादातर साल के किसी भी मौसम में कर सकते हैं, लेकिन शूट्स द्वारा इन्हें प्रचारित करने के लिए ज़्यादातर मानसून की वर्षा का मौसम ही चूज करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त नेचुरली वातावरण में 95% वाटर ह्यूमिडिटी होने के कारण कटिंग या सीड्स का जर्मिनेशन रेशो भी लगभग 80-90% रहता है। दोस्तों, ये कर्टन क्रीपर की बेल बहुत डीपली हमारे वॉल कंपाउंड को, बालकनी की रेलिंग्स को घनी हरियाली या ग्रीनरी के साथ ढक देती है। कुदरत के इस प्राकृतिक पर्दे को देखकर ऐसा लगता है कि हमने हमारे घर के वॉल कंपाउंड पर एक परमानेंट ग्रीन कवर ही डाल दिया हो। इनफैक्ट गौर से देखा जाए तो हमारी सोच का हर आविष्कार कुदरत में पहले से ही मौजूद है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नई नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।